ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक तरफ पाकिस्तान जहां भारत में आतंकवाद फैलाने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने खुद के कारनामों से भी पूरी दुनिया में बदनाम होता जा रहा है। लगातार चीनी नागरिकों की सुरक्षा से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। खबर पाकिस्तान से है जहां चीनी नागरिकों को फिर से हमले का सामना करना पड़ा है। खबर है कि कराची के कमर्शियल हब में दो चीनी नागरिकों को गोली मार दी गई है। उनमें से एक चीनी नागरिक बेहद गंभीर बताया जा रहा है। खबर है कि कराची शहर में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड ने गर्मा गर्म बहस के बाद दो चीनी नागरिकों को गोली मार दी। इस वारदात में चीन के दोनों नागरिक बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं और दोनों का इलाज कराची के ही लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फैजान अली ने यह कहा है कि दो चीनी नागरिकों को गोली लगी है और उन्होंने इस पर आगे से कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं लियाकत नेशनल अस्पताल का ये कहना है कि दो घायल चीनी नागरिकों में से एक की हालत इस वक्त बेहद गंभीर है। शुरू में यह जानकारी नहीं आ पाई थी कि यह हमला किस तरह का है, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि दरअसल यह हमला गर्मा गर्म बहस के बाद हुआ, जिसमें दो चीनी नागरिकों को गोली मार दी गई। पाकिस्तान के अंदर लगातार इस तरह की स्थिति बनती है जहां चीनी नागरिकों को आतंकी और आत्मघाती हमलों में निशाना बनाया जाता रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में भी लगातार चीनी कंपनियों को आत्मघाती हमलों का सामना करना पड़ा और कई चीनी कंपनियों में से एक चीनी कंपनी ने इस इलाके में अपना काम तक बंद कर दिया। इस आतंकी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत भी हुई थी। इतना ही नहीं, बाद में उस कंपनी में काम कर रहे 2000 लोगों को चीन ने काम से भी निकाल दिया। इसके अलावा छोटे मोटे घटनाओं में भी लगातार चीनी इंजीनियर्स और चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता रहा है। कई बड़े हमलों को अंजाम देकर भी भारी संख्या में चीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया है। चीन की तरफ से लगातार पाकिस्तान के सामने सख्त लहजे में अपने नागरिकों की सुरक्षा की बात उठाई गई है और पाकिस्तान बार बार इस तरह के आश्वासन देकर चीन से पैसा ऐंठने की जुगत में रहता है और फिर खराब सुरक्षा व्यवस्था का रोना भी रोता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।